सारे तीर्थों का वास किसमें है? माँ में। और सारे देवों का वास किसमें है? तो माताजी पिताजी मैंने एक बार ने सात सात बार धरती की परिक्रमा करने का पुण्य मिल गया है। तो भगवान शिव जी बोलते हैं, उम्र में तो आप बड़े हो लेकिन बुद्धि में भगवान श्री गणेश जी बड़े हैं। भगवान गणेश जी को शिव जी ने उसी दिन आशीर्वाद दिया, कोई भी शुभ कार्य होगा सबसे पहले आपकी पूजा होगी। बच्चों सदा तुम्हारे
साथ रहे। याद हमेशा तुम्हें हमारे बच्चों, बस ये बात रहे। मातृ पितृ भक्तों के सर पे सदा गुरु का हाथ रहे, सदा गुरु का हाथ रहे। समिति द्वारा माता पिता और शिक्षक पूजन कार्यक्रम के सभी सदस्यों को मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने अमूल्य समय को हम सबके साथ साझा किया। साथ ही हम सबको, विशेषकर नई पीढ़ी को, माता पिता के महत्व को समझाते हुए एक सराहनीय प्रयास किया है। आशा है हमारे ये विद्यार्थी इसी प्रकार आपके द्वारा बताई गई राह पर चलेंगे। उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद, और मैं सभी स्टूडेंट्स का और टीचर्स का भी थैंक यू कहना चाहूँगी कि आज उन दोनों ने एक नया रिश्ता बनाया है और उम्मीद है ये रिश्ता इसी तरह से कायम रहेगा। Thank you all. Anyone and all present here? This was a wonderful program, and I want to take this opportunity to thank all the students for your love and respect you have given us. We are teachers due to your love. Thank you all, dear students. Teachers are the most precious gift God has given us. They are really the angels in disguise. Even my parents, जिन्होंने आजकल मुझे पाल पोसकर इतना बड़ा किया, मुझे हर वो चीज दी जो मुझे चाहिए। और आज मैं जहाँ भी हूँ, मैं जो भी हूँ, वो सब इन टीचर्स और मेरे पेरेंट्स की वजह से। आई रियली लव देम अ लॉट, नो डाउट। मैं आज अपना सुबह वाला ही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैं आज आते टाइम सुबह सुबह मम्मा से लड़कर आई। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, एंड मैं अब अगली बार कभी ऐसा नहीं करूँ। थैंक यू टीचर्स, आप जो भी हो, यू आर वेरी बेस्ट। आई लव यू ऑल। सबसे अच्छा मोमेंट, सबसे ज़्यादा फीलिंग्स मुझे उस मोमेंट में आई जब, मतलब, हम अपने टीचर्स की गोद पे सर रख के सब कुछ फील कर रहे थे। मतलब वो 15 मिनट सच में पूरी इमेजिनेशन जाग गई मेरी, और मैंने मम्मी को बहुत याद करा। वो 15 मिनट का मोमेंट बहुत रोना आया मुझे, लेकिन कंट्रोल तो करना पड़ता है, तो इसलिए मम्मी को बहुत अच्छा लगा। अच्छी ज़्यादा फील लगी कि मेरे को अपने मम्मी पापा और गुरु और माता पिताओं का रेस्पेक्ट करना चाहिए। थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने हमें अपने मम्मी पापा की रेस्पेक्ट करना सिखाया, और
बहुत मिस किया क्योंकि कुछ दिनों से मैं आपसे मम्मी से बहुत रूडली बात कर रही हूँ और मैं आज आप